ओ देवो भवा के इस ब्लॉग में आमी मंदिर, जिसे माँ अंबिका स्थान के नाम से भी जाना जाता है, माँ का दर्शन करते हैं और इस मंदिर के पौराणिक इतिहास को भी जानेंगे। आमी मंदिर, जिसे माँ अंबिका स्थान के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार में मौजूद गया सर्वमंगला, छिन्नमस्तिका, हजारीबाग और अंबिका भवानी आमी दिगवारा छपरा शक्ति पीठों में से एक है, जहां मां सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आज हम जिस शक्ति पीठ की चर्चा करने वाले हैं, वो बिहार राज्य के छपरा शहर स्थित आमी कस्बे में है। इसी कारण इस पवित्र स्थल को आमी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों में माँ अंबिका भवानी को अंबे, पार्वती, गौरी दुर्गा आदि नामों से जाना जाता है। आमी गांव NH-19 सड़क के किनारे स्थित है और आमी खुद एक रेलवे स्टेशन हॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से मंदिर जाएंगे तो इसकी दूरी लगभग 57 किलोमीटर की है। चलिए आमी मंदिर के पौराणिक गाथाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पौराणिक गाथाओं के अनुसार आमी मंदिर से जुड़ी जो गाथा है, उसमें ब्रह्मा देव के पुत्र दक्ष प्रजापति का उल्लेख आता है। भगवान शिव के अभिशाप और ब्रह्म देव के झूठ के कारण उन्होंने अपने पांचवें सिर को शिव के सामने खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराना चाहते थे। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और माता सती ने कठोर तपस्या की और अंत में भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा वश राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा भगवान शिव के समक्ष व्यक्त की, जिसे भगवान शिव ने रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का कोई भी स्वागत नहीं किया गया। इसके साथ ही दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का घोर अपमान भी किया। माता सती से अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान नहीं सहा गया और अपमान से क्रोधित होकर माँ सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस घटना के बारे में पता चला, तब अपमान और चोट से भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और भगवान शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने के साथ ही उसका सिर भी काट दिया। सभी मौजूद देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और एक बकरे का सिर लाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य तांडव शुरू कर दिया। यह देख देवताओं ने भगवान विष्णु को इस विनाश से बचाने का अनुरोध किया गया, जिस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के 52 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और
पाकिस्तान समेत के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। उन्हीं पीठों में से एक है अंबिका मंदिर या माँ अंबिका स्थान, जिसे हम आमी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मौजूदा आमी मंदिर छपरा के दिगवारा में पड़ता है, जो पौराणिक दक्ष राज्य के अधीन आता था। राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था उसका एक बहुत भव्य द्वार बनाया गया था, जिसका नाम दिग द्वार रखा गया था और कालांतर में दिग द्वार को ही दिगवारा के नाम से लोग जानने लगे हैं। आज भी दिगवारा के आमी गांव में एक प्राचीन पूजा स्थल है, जिसे अंबा स्थान भी कहा जाता है। शिव शक्ति से संरक्षित एवं समन्वित अंबिका भवानी आमी स्थल वैष्णव शक्ति एवं अवधूत कपालिक साधकों की साधना भूमि है। इस आमी मंदिर में कुछ मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। मंदिर का एक चमत्कारी कुआं, जिसे मंदिर के समीप एक बड़ा सा उपवन है, जिसमें एक गहरा और चौड़ा कुआं है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कुआं कभी भी नहीं सूखता और इसमें सालों भर पानी भरा रहता है। इस मंदिर में एक यज्ञ कुंड भी है। यह यज्ञ कुंड, जिसके दर्शन को श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से यहां आते हैं और इस स्थान पर यज्ञ कुंड के दर्शन करते हैं। भक्तों का मानना है कि कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया जल अपने आप गायब हो जाता है। यह इस जगह की खासियत है। भक्त जन इसे आमी अंबिका भवानी का चमत्कार मानते हैं। आमी अंबिका भवानी मंदिर की खास प्रतिमा है। प्राचीन मातृ शक्ति रूप मानते हुए माँ की मिट्टी की प्रतिमा को पाषाण युग से भी पहले की प्रागैतिहासिक काल की प्रतिमा मानते हैं। पूरे विश्व में मिट्टी की प्रतिमा यदि कहीं है तो वह आमी में ही स्थित है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों भक्त आते हैं। एक तरफ से दुल्हन तैयार होती हैं और दूसरी तरफ से दूल्हा आता है। इसके साथ पूरी विवाह समारोह पवित्र हिंदू तरीके से आयोजित किया जाता है। पूरे दिन और रात उत्सव चलता रहता है। इस दौरान शिव बारात मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहता है इस मंदिर में। आमी मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जो यहाँ पर पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं देवी माँ पूरी करती हैं। इसलिए नवरात्रि के अवसर पर देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए एकत्रित होते हैं। माँ अंबिका भवानी मंदिर से जुड़ी कुछ अनोखे तत्व भी मौजूद हैं। जैसा कि यह मंदिर एक किले की संरचना में है, जो तीनों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है और उसी के किनारे स्थित है यह मंदिर। यह सारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित है और यहाँ बाढ़ के दौरान भी गंगा कभी किले को नहीं छूती है। पूरे विश्व में मिट्टी की प्रतिमा यदि कहीं है तो वह आमी में ही स्थित है। शक्ति की पूजा में एक समान त्रिभुज का उतना ही महत्व है जितना कि भगवान विष्णु के लिए शालिग्राम और भगवान शिव के लिए शिवलिंग का है। त्रिभुज के केंद्र को प्रम्बिका या अंबिका कहा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से तीन शिव मंदिरों वैद्यनाथ, विश्वनाथ और पशुपतिनाथ की दूरी यहाँ से समान है और यदि हम तीन शिव मंदिर को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो यह केंद्र में अंबिका अष्टम अमावस्या के साथ एक समूह त्रिकोण होगा। यह अंबिका स्थान आमी के महत्व को दर्शाता है। चलो।